तो दोस्तों इस समय भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर फाइटर जेट है राफेल, जो कि 36 की संख्या में भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं। पर भारतीय वायुसेना चाहती है कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट जो कि राफेल की टक्कर का होगा तेजस MK2, वो भी भारतीय वायुसेना को जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इस काम को पूरा करने के लिए फाइनली भारत के HAL ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और HAL के जो प्रबंधक महानिदेशक हैं, जिनका नाम है CB आनंद करसन, उन्होंने कहा है कि हमारा तेजस MK2 दिसंबर 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारा तेजस MK2 दिसंबर 2022 में अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। और इसके लिए HAL को 8GE414 इंजन पहले से ही मिल चुके हैं, जो कि प्रोटोटाइप के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके बाद में कम से कम 99GE414 इंजन जो भारत को तकनीकी ट्रांसफर के साथ मिलने वाले हैं, वो हमें 2026 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे भारत के तेजस MK2 के सारे परीक्षण भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में इसकी फर्स्ट फ्लाइट अभी हाल ही में दिसंबर 2023 के अंदर HAL कंप्लीट कराएगा। और राफेल के मुकाबले में आप देखोगे तो तेजस MK2 केवल पेलोड के मामले में ही राफेल से थोड़ा कम पेलोड ले जा पाएगा, परंतु तकनीकी और हथियार साथ में ताकत के मामले में राफेल को बराबर टक्कर हमारा तेजस MK2 देने वाला है। साथ में इसकी प्राइस 700 से 900 करोड़ के बीच में रहने वाली है, जिसे राफेल के 1600 करोड़ प्राइस के अंतर्गत कम से कम 2 तेजस फाइटर जेट हमारी भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। और इसलिए भारतीय वायुसेना 100 से 120 की संख्या में तेजस MK2 खरीदने वाली है। इससे स्वदेशी फाइटर जेट उत्पादन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तेजस MK2 राफेल फाइटर जेट को टक्कर दे पाएगा, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।